ये आप देख रहे हो उज्जैन का रेलवे स्टेशन। हम ग्वालियर से उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए पधारे हैं। उज्जैन रेलवे स्टेशन भव्य भव्य रूप से बना हुआ है। उज्जैन रेलवे स्टेशन से हम महाकाल के लिए रवाना होंगे। महाकाल वही स्थान जहाँ पर हिंदू के अन्य धार्मिक स्थलों की तरह ही यह महास्थल भी मुस्लिम शासकों के अत्याचार का शिकार हुआ है। यह आप देख रहे हैं नया कॉरिडोर का निर्माण जो किया हुआ है, अति सुंदर अति भव्यता के साथ निर्माण किया हुआ है। आप सवेरे ये जिस समय हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सवेरे प्रातः के 5 बज रहे हैं। दर्शन करने के पश्चात हम सीधा बाहर आए। आप देख रहे हो कितने अत्यंत यह आप देख रहे हो शिप्रा नदी, उज्जैन की प्रसिद्ध शिप्रा नदी, जहाँ हर 12 वर्ष में अभी तो काम चल रहा है का मेला लगता है और 6 वर्ष में अर्धकुंभ का मेला लगता है। यह जो भी बना हुआ है नगर भव्यता विशाल भव्यता से, और ये आप देख रहे हैं सामने लाइटिंग जगमगा रही है, बिल्कुल नए तुलन की तरह से नए बिल्डिंग को नए निर्माण को सौंदर्य को निखार रही है। अभी कार्य प्रगति की ओर है, इसका कुछ ही हिस्सा बनकर में निर्माण हुआ है। जब संपूर्ण मिल जाएगा तो अभी तो लाइट की है, भव्यता के साथ सुंदर स्वच्छ प्रसिद्ध महाकाल कॉरिडोर का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार के द्वारा किया गया है। इधर से ही आए थे ना उज्जैन के शीश महाकालेश्वर मंदिर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक कॉरिडोर की शुरुआत की है। उसका इतिहास अति प्रभावशाली भव्य अनुपम अनूठा और अद्वितीय है। हिंदू के अन्य धार्मिक स्थलों की तरह मुस्लिम शासकों के अत्याचार का शिकार हुआ है, लेकिन इसके बावजूद श्री महाकालेश्वर का बाल बांका तक नहीं हुआ। यह वह जगह है कि उज्जैन के बाबा महाकाल सबकी रक्षा करते हैं करते हुए आज भी अक्षुण